आज हम बात करेंगे भारत के राज्यों की और राज्यों के जनसंख्या की और उनके जीडीपी की और कंपेयर करेंगे वर्ल्ड के दूसरे राज्यों से। तो इंडिया की जनसंख्या 1.417 ट्रिलियन की है और इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 3146 बिलियन यूएस डॉलर की थी। वहीं पे 2022 की एक्सपेक्टेड जीडीपी 2980 बिलियन यूएस डॉलर की गई है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है जिसकी जनसंख्या 199.80 मिलियन है और इसकी जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की 294.10 यूएस बिलियन डॉलर की थी। नाइजीरिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के जनसंख्या के आसपास की है और नाइजीरिया की जनसंख्या 206.13 मिलियन की है। नाइजीरिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की 440 बिलियन यूएस डॉलर की थी। अगर हम उत्तर प्रदेश को नाइजीरिया से कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नाइजीरिया के समकक्ष है, लेकिन इसकी जीडीपी नाइजीरिया की आधी है। दूसरे पायदान पे महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की जनसंख्या 112.37 मिलियन की है। वहीं महाराष्ट्र की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की 430 बिलियन यूएस डॉलर की थी। महाराष्ट्र की जनसंख्या के आसपास की जनसंख्या इथोपिया की है और इथोपिया की जनसंख्या 114.96 मिलियन की है। वहीं इथोपिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की 112 बिलियन यूएस डॉलर की थी, जो महाराष्ट्र के जीडीपी से 4 गुना कम की है। तीसरे स्थान पे बिहार है और बिहार की जनसंख्या 103.80 मिलियन की है और बिहार की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की 67 बिलियन यूएस डॉलर की थी। बिहार के समकक्ष जनसंख्या रखने वाली कंट्री का नाम इजिप्ट है और जिसकी जनसंख्या 102.33 मिलियन की है और इजिप्ट की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की 324 बिलियन यूएस डॉलर की थी। तो अगर इजिप्ट की जीडीपी की तुलना बिहार से की जाए तो बिहार की जीडीपी 3 गुना कम की है, जबकि बिहार की जनसंख्या इजिप्ट की जनसंख्या के बराबर है। चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल है जिसकी जनसंख्या 91.34 मिलियन की है और जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की 119 बिलियन यूएस डॉलर की थी। वेस्ट बंगाल की जनसंख्या के आसपास की जनसंख्या डीआर कांगो की है और डीआर कांगो की जनसंख्या 89.56 मिलियन की है। वहीं जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की 210 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो वेस्ट बंगाल के आसपास की है। पांचवें प्लेस पे मध्य प्रदेश है जिसकी जनसंख्या 72.59 मिलियन की है और मध्य प्रदेश की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 150 बिलियन यूएस डॉलर की थी। मध्य प्रदेश के समकक्ष जनसंख्या वाली कंट्री थाईलैंड है जिसकी जनसंख्या 69.79 बिलियन की है। थाईलैंड की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की 549 बिलियन यूएस डॉलर की थी, जो मध्य प्रदेश के जीडीपी के 3.5 गुना अधिक है। तो अगर आप लोग हर एक राज्य के जनसंख्या और जीडीपी को लेते हैं और उसका कंपेयर अगर दुनिया के देश से करते हैं तो आप क्या पाते हैं, कृपया करें और कमेंट करें। सो थैंक यू कि आपने मेरे सेशन के वीडियो को देखा और सुना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल। थैंक्स।